उसके बाद देखो हमारा फोटो रेडी हो गया है। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है विवेक और मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग जानता हूँ, तो जितना जानता हूँ उतना ही सिखाऊंगा। चलो तो दोस्तों हमें सबसे पहले दो पिक्चर क्लिक करना है सेम एंगल पे, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, जैसे ये और ये सेम एंगल में, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। दो फोटो, तो कोई भी एक फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। चलो ये ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट पे, यहाँ पर जाएगा पिक्सआर्ट, ये ओपन हो गया। अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें ऐड कर लेना है। ये जो ऐड कर लिया है और इसका जो और एक पिक्चर था इसके साथ जो खींचा था उसको ऐड करना है। तो वो ये हमने ओपन किया, इसको हम ऐड करेंगे ऐसे। देखो दोस्तों फुल कर देना, एकदम फुल कर देना। उसके बाद इसको इरेज़र पे क्लिक करना है, एकदम ऊपर इरेज़र इरेज करना है। उसके बाद यहाँ पे इरेज जो है इसको क्लिक करना है और हार्डनेस 100%, ओपेसिटी को 100%, साइज आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इरेज कीजिए तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे इरेज कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो गया है, देखिए। तो हम इसको फिक्स करेंगे ऐसे, थोड़ा इसको इस साइड खींचेंगे तो ऐसे खींचना है कि किसी को पता ना चले। ऐसे ठीक है, इधर पे जाके इरेज कर देना ये अच्छे से। अच्छा ये देखिए एकदम प्रॉपरली हो गया एकदम। उसके बाद डन इसको सेव कर लीजिए। देखिए ऐसा था ऐसा हो गया, ठीक है मैच हो रहा है। उसके बाद हमें इस फोटो को सेव कर लेना है, ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई नहीं करना है पिक्सआर्ट में, नहीं तो क्वालिटी लॉस हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ टूल ड्रॉ, सिंपली इसको सेव कर लेना है। उसके बाद हमें ये जो एडोबी फोटो फिक्स है, इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ओपन करते हैं एडोबी फोटो फिक्स। उसके बाद यहाँ पे वो जो फोटो है उसको ऐड कर लेंगे जो हमने सेव किया था ये, ठीक है। अभी यहाँ पे फेस स्मूथ करना है, स्मूथ कर लीजिए एकदम पूरे फेस पे अच्छे से कर लीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, स्मूथ कर लीजिए ऐसे। ये देखो स्मूथ हो गया, और वो भी HD में। हाथ को भी थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, और ये जो है ना थोड़ा समझा जा रहा है, इसको भी स्मूथ कर लेंगे तो किसी को उतना नोटिस नहीं होगा। उसके बाद इसके फेस में भी एक ही तो है, फिर भी इसका भी स्मूथ कर लेते हैं फेस से। उसके बाद डन। तो उसके बाद यहाँ पे शेयर पे ऑप्शन की क्लिक करके गैलरी में क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें लाइट रूम ओपन करना है, ये लाइट रूम एडोबी लाइट रूम। यहाँ पे जो हमने फ़ोटो फिक्स से पिक्चर सेव किया था फेस स्मूथ करके, उसको अपलोड कर लेना है। ये यहाँ पे ऐड कर लेना है, जब ऐड हो जाए इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लाइट्स पे जाके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं इसको जितना है उतना ही रहने देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट्स को कम कर देता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है, शेडो को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ब्लैक को कम, वाइट को थोड़ा ज़्यादा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये देखो शर्ट पे थोड़ा अच्छा वाइट वाइट इफेक्ट आता है, शाइन इफेक्ट, तो ठीक ही है। उसके बाद ये टेम्परेचर वाला आइकन पे क्लिक करना है, इस पर आके हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा देना है
उसके बाद हमें मिक्स पे जाना है, मिक्स पे फेस का कलर इसको सेचुरेशन थोड़ा कम कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, तो हमें हमारा फेस थोड़ा ग्लोइंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर, ये जो येलो कलर है इसका सेचुरेशन जीरो, उसके बाद जो ये ग्रीन कलर है इसका भी सेचुरेशन जीरो कर देना है। ये देखिए हमारा फोटो थोड़ा थोड़ा लुक आ गया है। उसके बाद ये जो लास्ट कलर है, और बाकी को छेड़ना मत क्योंकि यहाँ पे कुछ कलर नहीं है, ये जो लास्ट वाला टूल है इसको सेचुरेशन, ये शर्ट का कलर है तो इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद डन, ये देखिए कैसा था कैसा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टूल पे जाके क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसके बाद बिगनेट जो है इसको कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दिए, 4-4 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल पे जाके शार्पनेस बढ़ा देना है फुल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो मार्क्स है इसको प्रेस करके रखना है, हम देखेंगे फेस पे ये जो 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 वाइट वाइट लाइन है वहाँ पे सिर्फ शार्प होगा, शार्पनेस अप्लाई होगा, सॉरी हम यहाँ पे करते हैं तो ये जो हेयर्स पे है शार्ट पे अप्लाई होगा, फेस पे थोड़ा कम होगा। ये देखो हाँ यही ठीक है, शार्ट पे होगा, हेयर पे होगा, फेस पे नहीं होगा, देखो ऐसा शार्पनेस अप्लाई हो गया। उसके बाद हमें नॉइस कलर नॉइस रिडक्शन थोड़ा बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा देना है। उसके बाद देखो हमारा फोटो रेडी हो गया है एकदम, देखो बिफोर एंड आफ्टर देखो कितना फ़र्क आ गया है, सिर्फ सिंपल है। उसके बाद हमें ये जो है ना सिलेक्टिव टूल इसको क्लिक करना है, यहाँ पे जाके इसको बॉक्स को क्लिक कर लेना है, उसके बाद नीचे से अप्लाई कर देना है ऐसे। उसके बाद जो लाइट्स है इसको एक्सपोजर कम कर देना है तो डार्क आएगा और फोटो रियलिस्टिक लगेगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं एंड डन, देखो कंप्लीट हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिंपली शेयर पे ऑप्शन पे जाके एक्सपोर्ट एस, उसके बाद डन और हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, थैंक यू।